नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित तीन ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो कि देर रात तक चली। ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी बीएमडब्ल्यू कार अपने साथ लेकर चली गई। और जिस कार को ईडी ने जब्त किया वो हरियाणा नंबर की है। एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ रांची में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि सीएम सचिवालय की तरफ से एक मेल ईडी को भेजा गया है, जिसमें 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से ईडी ऑफिस में पूछताछ में शामिल होने की बात कही गई है। तो बीएमडब्ल्यू कार जो है ईडी की टीम अपने साथ ले गई है, हेमंत सोरेन जो है वहां नहीं थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं मिले ईडी को, लेकिन उनकी गाड़ी जो है ईडी की टीम लेके गई है। जी देखिए, लगातार जिस तरह से कल हेमंत सोरेन के घर पर ईडी पूरे दिन इंतजार कर रही और छानबीन कर रही, लेकिन हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उनकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। जैसे यहाँ से शाम होती है, उसके बाद एक मेल मिलती है ईडी को कि मैं 31 जनवरी को रांची में मिलूंगा और मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन यहाँ से ईडी के पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि हो सकता है सूचना मिली हो, क्योंकि अगर दिल्ली में वो पकड़ मिल जाते तो शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता, क्योंकि ईडी ने पहले ही उनको नोटिस जारी किया था कि आप या तो पेश हो जाइए नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि 9 नोटिस देने के बाद भी हेमंत सोरेन लगातार ईडी से भाषण दे रहा है, लेकिन अचानक से मेल आई और एक लेटर उनको मिला कि ईडी हमें से 31 तारीख को आकर के वो जांच पूछ सकती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कल का जो दिन होगा 31 जनवरी का, वो सबसे बड़ा दिन होगा। क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे या फिर उनको गिरफ्तार कहीं ना कहीं से किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन क्यों इन सवालों से भाग रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते, बार बार उसका एक बयान आता है कि कोई मेरा जवाब नहीं है, वही हेमंत सोरेन का भी था। लेकिन जब ईडी का दबाव पड़ने लगा तो कहीं गिरने लगे, क्योंकि तो लापता का नाम डाला गया कि हेमंत सोरेन लापता है। तो देखिए, तो झारखंड सीएम है, ऊपर से वो लापता नाम, कहीं ना कहीं लापरवाही और समयता दिखाती है। तो ईडी अब उनको गिरफ्तार करेगी या फिर उनको कहीं से भी ढूंढेगी, तो ये देखना होगा। लेकिन कल क्या होगा ये कल का समय बताएगा। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से जो है सीएम घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब उनको पता होता है ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उससे पहले जो है दिल्ली पहुंचकर वो गायब हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल, ईडी के पास पूरे जो सबूत है कि झारखंड से जो हेमंत सोरेन राज्य से निकले हुए हैं और दिल्ली पहुंचने वाले, क्योंकि शांति निकेतन एरिया फोर्ट एरिया इलाका है सारा, वहां पर उनके लोकेशन मिली थी। जी अजय बने रहे हमारे साथ, रांची से हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी जुड़ गए हैं। अजय, रांची के क्या हालात इस वक्त बताए जा रहे हैं, सीएम का कोई अता पता जो है नहीं चल पा रहा है। जी बिल्कुल, ये दिल्ली के कई ठिकानों में तलाश रहे ईडी जो है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए हैं, और जिसके कारण झारखंड में भी जो है वो मुख्यमंत्री आवास को काफी सुरक्षा में रखी गई है। और आज इसके लेकर के विधायक जो सत्तारूढ़ के विधायक दल के नेताओं का आज बैठक होना है, क्योंकि अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली में ही है। अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक दिल्ली में ही है। जी, और अगर बात करें हम रांची सीएम आवास की, कल जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, जहां समर्थकों की भी भारी भीड़ जुटने की खबर सामने आ रही थी, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, कार्यकर्ताओं को यह अंदेशा है कि जो ईडी पूछताछ जो कर रही है उसमें वो गिरफ्तार कर लेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, इसलिए करके वो ये है आक्रोश उनको है और वो उनको लग रहा है कि ईडी परेशान कर रही है। लेकिन इसके लेकर के लगातार जो है मुख्यमंत्री सवालों से भागते जा रहे हैं, तो ये इस डर को लेकर के लगातार कार्यकर्ता जो है वो कल देर रात तक भी मुख्यमंत्री आवास के आसपास के क्षेत्रों में वो डटे रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो शांति निकेतन स्थित घर सहित तीन ठिकानों पर जो उनके छापेमारी की गई है, इस दौरान क्या बरामद किया गया है ईडी के पास और क्या कुछ सबूत मिले हैं इस दौरान?
जो ही देखो, हमने कल ही बताया कि ईडी को जब छानबीन की गई वहां पर के 2 घंटे आसपास उनके घर की छानबीन की गई, अंदर से भी पुलिस मौजूद थी और बाहर भी पुलिस मौजूद थी। तो पहले उनके दस्तावेज कुछ मिले हैं जो कि कुछ अहम माने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इन कागजों में काफी कुछ सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद BMW लेगा वो भी एचआर नंबर की गाड़ी है, हो सकता है किसी और के नाम पर हो ना कि उनके नाम पर हो, लेकिन वो गाड़ी उनके घर के अंदर बरामद की गई है, हो सकता है वहां से निकले कागज पे हो या इसी गाड़ी से कहीं जाना हो। तो देखिए कहीं ना कहीं ईडी पहुंचे, ईडी की तरफ से वो शायद पहले ही निकल चुके हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मुझे पूरी तरह से जेल जाना होगा, क्योंकि जो मेडियोलॉजी का केस है वो काफी बड़ा केस है, काफी समय पुराना केस है, लगातार जब पूछताछ के लिए ईडी जवाब मांग रही थी लेकिन नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन लगातार कहीं ना भागने जा रहे हैं। अब देखना, और जिस तरह से विधान सभी विधायकों अपने पक्ष और प्रतिपक्ष को बुलाया है, क्या वहां मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी वो दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली में भी उनकी छानबीन की जा रही है लेकिन अभी कोई उनका आता पता नहीं है। ऐसे में जो विधानसभा के जो विधायक है सारे एक साथ बैठेंगे, हो सकता है हेमंत सोरेन इस्तीफा दें या फिर उनका कोई चर्चा है क्या, अब अगर वहां हुआ पहुंचे तो हो सकता है ईडी उनको भी वहां से गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल अजय पांडे, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो है JMM की तरफ से क्या कोई बयान इसको लेकर सामने आया है, कहाँ है CM? देखिए JMM की तरफ से कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि देखिए ये राजनीतिक प्रेरित है, बीजेपी के सरकार बेवजह दबाव डाल रही है पूछताछ के लेकर लेकर के ये इस प्रकार वो उनको भगोड़ा साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये जो दिल्ली की दबिश है, दिल्ली की जो दबिश है उससे डरने वाले नहीं है, हम डटकर सामना करेंगे। जी बिल्कुल अजय, जो अजय चौहान हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी है दिल्ली की बात कही जा रही कि कहीं ना कहीं वो दिल्ली में है, और ये भी जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन पर भगोड़े होने का आरोप लगा रही है, लेकिन वो तो खुद ही भागते हुए दिखाई दे रहे। देखिए इसमें आरोप तो बीजेपी तो लगाएगी क्योंकि कांग्रेस के नेता है लगातार भाषण, लेकिन वो खुद ही इतने नोटिस देने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं हुए, हर समय वो अपने मोबाइल नंबर भी चेंज करते, क्योंकि जिस अगर दिल्ली में है तो हो सकता है कि जिस नंबर से ईडी ने उनको ट्रेस किया था वो मोबाइल नंबर भी ईडी के पास हो और दूसरे फोन हो, लेकिन यह है कि अब उनका कोई भी नंबर समय में नहीं है ना ही उनका ट्रेस किया जा रहा, तो ईडी कहीं ना कहीं सूत्रों से उनके छानबीन कर रही है कहाँ पर छिपे हुए हैं और कहाँ हो सकते हैं, लेकिन जैसे मेल आई है मंत्रालय तो कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे किसी के, इसीलिए ईडी को मेल भेजा कि हम 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे और अपने सर सवालों का जवाब देंगे, तो लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहा ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसा मेल डाल सकते हैं 31 जनवरी को बड़ा खेल हो सकता है या फिर कहीं जाने की कगार पे हो, इसलिए एयरपोर्ट पे चौकसी बढ़ा दी गई, अगर ये हो सकता है कि विदेश जाने की संभावना हो तो ऐसे में कहने ईडी इस समय हेमंत सोरेन की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है, शायद वो इस बार बचना मुश्किल हो पाएगा उनका। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने झामुमो और कांग्रेस के साथ ही सहयोगी विधायकों को समान और बैग के साथ रांची बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी की पूछताछ के डर से वह सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। तो कल्पना सोरेन से सीएम बनने की जो है उनके खबर आ रही है, और इसी के साथ बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे। तो अब जो है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान सामने आया है। जी अजय पांडे, अब देखिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो है उस पर उन्होंने निशाना साधा है, वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन अब सड़क मार्ग से जो है रांची पहुंचेंगे। जी लगता है संपर्क टूट गया है। अजय चौहान लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अजय, आपने देखा कि निशिकांत दुबे ने भी अब इस पे कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा है कि जो सीएम हेमंत जो है सड़क मार्ग से पहुंचेंगे अब रांची। तो देखिए जैसे बीजेपी ने अभी ट्वीट किया लगातार सवाल भी लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही हो कि हेमंत सोरेन बाय एयर की बजाय बाय रोड जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि ऐसी सूचना मिल जा रही हो, उन्होंने ये ट्वीट किया। जो ईडी है और जो राष्ट्रीय की पुलिस है, राष्ट्रीय पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, लगातार उनके छानबीन कर रही है, अगर ऐसा कोई इनपुट आता तो हो सकता है उनको राष्ट्र में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल विधायक का दल बुलाया गया है और मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भी बुलाया गया है, तो हो सकता है कि अब हेमंत सोरेन को पता है कि मैं मुश्किल से बच पाऊंगा, तो इससे पहले मैं समर्थन देकर के लोगों को दूसरा कोई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दूं और मैं इस्तीफा दे दूं, उसके बाद कोर्ट का कल का जो समय दिया था शायद वही इसलिए दिया कि आज जो बैठक होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बन जाए,
और इसके बाद वो खुद देंगे तो उसके बाद आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के रहते हुए वो अपने आप को गिरफ्तार नहीं कराना चाहते शायद, क्योंकि इसी तरह रांची में आज बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह होगा कि रांची किस समय पहुंचेंगे, अगर आज पहुंचते तो आज ही बैठक भी है, किस समय पहुंचेंगे, ईडी भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं, किस समय हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके बंगले पर भी चौकसी बढ़ाई गई है, पुलिस वहां मौजूद है, दिल्ली के तीनों जगह वहां पर पुलिस मौजूद है। तो देखिए कहीं ना हेमंत सोरेन को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और वो पूरी तरह से ईडी के और जी बिल्कुल। और अजय पांडे दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हम निशिकांत दुबे की बात करें, उन्होंने सीएम को लेकर कहा है कि वो सड़क मार्ग से पहुंचेंगे, किस बात का डर सता रहा है सीएम? ऐसे लुका छुपी खेलते हुए क्यों जो है घर पहुंचने की खबर जो है उनके सामने आ रही है, किस आधार पर बीजेपी की ओर से ऐसा बयान दिया जा रहा है? देखिए निशिकांत दुबे जी का जो बयान है ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई भगोड़ा नहीं है। कल भी देखिए जो जेएमएम के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं है, वो हमारे संपर्क में है, ट्रेसलेस नहीं है और वो पार्टी को मालूम है कि वो कहाँ है, लेकिन जल्द ही ईडी के सामने होंगे। देखिए इतनी हड़बड़ाहट, इतनी घबराहट क्यों है बीजेपी को या विपक्षी दलों को? तो वो निजी कार्य से वो दिल्ली गए हुए हैं और वो निश्चित रूप से जो 31 तारीख को जो ईमेल के जरिए संदेश दिया गया है ईडी को सामने होने का, सवाल जवाब देने का, वो बिल्कुल होंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ईडी लगातार उन पर नजर बनाए रखे हुई है। और अजय चौहान, अगर बात करें अभी फिलहाल जो है अभी दिल्ली आवास की, तो वहाँ अभी के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? मौजूद है और पुलिस उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि तरीके से शांति नगर है और भी उनसे जो घर है वहाँ भी पुलिस मौजूद है। हो सकता है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कोई बड़ा बवाल सामने आए, क्योंकि इसीलिए मुख्यमंत्री पद से पहले इस्तीफा देने के बाद ही कुछ ऐसा हो जाए ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, ताकि लोगों में आक्रोश या फिर किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि आंदोलन बहुत जल्दी हो जाता है। किसी भी बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है या सवाल खड़े जाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली में जो भी नेता गिरफ्तार किया तो पूरी दिल्ली को सील करने की बात कही जाती थी, पूरे रोडों को सील कर दिया जाता था, पुलिस व्यवस्था का तैयारी की जाती थी, इसी स्थिति में होता था। तो हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक साथ में हो। तो देखिए कहीं ना कहीं आज उनकी बैठक भी है, लगातार चर्चा भी की जाएगी, इसलिए हेमंत सोरेन लगातार अपने बचाव के लिए कोई ना कोई नया पैतरा या नया कोई विचार ऐसा लाएंगे ताकि उन पर कोई आंच ना आए और उन्हें सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया जाए। लेकिन ईडी ने पहले ही कहा था उनके जो आरोप है वो उनके पास तथ्य सबूत है पूरे, जिससे उनका बचना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। अजय पांडे, एक जानकारी के मुताबिक जो है ये भी बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव आया है। देखिए इसकी तैयारी जब लगातार ईडी समन भेज रही थी, इसकी तैयारी पहले कर चुकी जी। आपने लिखा होगा कि सरफराज अहमद जो गांडे के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसमें चर्चा भी ये हुई थी कि वहां थे कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी और वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार होंगे। लेकिन ये चीज अभी बहुत जल्दी चीजें स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आज 2 बजे मुख्यमंत्री आवास में विधायक दलों की बैठक है, आज वहां निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर ये चर्चा होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे ने हमला बोला है। और बात करेंगे अगली खबर की, मानेसर लैंड डील मामले में दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। बता दें कि 2 हफ्ते पहले यानी 17 जनवरी को भी हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने साल 2004 से 7 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1,500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजकर बुलाया। ईडी ने 1 हफ्ते पहले उन्हें जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था। सूत्रों का कहना है इससे पहले हुई पूछताछ में जांच के दौरान कई सवालों का जवाब पूर्व सीएम ने सही नहीं दिया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 1500 करोड़ भूमि घोटाले के जो ये मामला है वो बताया जा रहा है, साल 2004 से 2007 के दौरान इस घोटाले की होने की बात जो है सामने आ रही है और इसको लेकर पूर्व सीएम हुड्डा से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। इसी के साथ 14 दिन में ईडी ने दूसरी बार जो है उन्हें तलब किया। बताया जा रहा है कि पूछताछ में उन्होंने सही जवाब नहीं दिया था।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछले 12 दिनों में इनके साथ दो बार पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले 17 तारीख को इनसे पूछताछ की गई थी और करीब 7 घंटे पूछताछ हुई है। दिल्ली के ईडी ऑफिस में ये सुबह 11 बजे पहुंचे थे और उसके बाद जो है ये शाम को करीब 6 बजे के आसपास वहां से निकले थे। और आपको बता दें कि इनके जो अधिकारी जिनकी मिलीभुगत हुई है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और 34 लोगों के नाम शामिल किए गए। जी जी, और बताया जा रहा है कि 14 दिन में दूसरी बार ये उन्हें समन भेजा गया ईडी की ओर से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपको बता दें कि जो जमीन के मालिक हैं और जो किसानों हैं उनकी तरफ से जो है 1500 करोड़ रुपए के घपले की जो बात की गई है। और आपको बता दें कि जो वहां की प्रॉपर्टी का रेट है काफी हाई है और 25 लाख रुपए के आसपास में जो रेट तय किया गया था उसमें इन्होंने जमीन की खरीदारी की थी, तो उसमें उसको लेकर धांधली हुई थी। तो उस केस में ईडी जो है छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है और उनके करीबियों में से भी जांच की जा रही है। खबर ये भी है कि ईडी के पूछे गए सवालों का सीएम, पूर्व सीएम जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या छुपा रहे ये? देखिए, अभी जो ईडी की जैसे 7 घंटे पूछताछ हुई है लेकिन ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई क्या सवाल हुए हैं, कितने सवाल हुए हैं और किस चीज का सवाल नहीं दिया गया, तो ये भी अभी सवाल बना हुआ है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी इनके जो अधिकारी हैं जिनके साथ इन्होंने मिलीभुगत करके जो धोखाधड़ी करी थी उस घोटाले में भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी ने सख्ती की है। कल दूसरी बार जो इनसे पूछताछ की गई है और आगे क्या आती है ये आने वाली तस्वीरें निकल के आएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम पर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर सीएम योगी माल्यार्पण कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने, उन्हें माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। और लखनऊ से ये खबर आपके साथ साझा करें जहां आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम के साथ साथ अन्य भी कई कार्यकर्ता यहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो ये 76वीं पुण्यतिथि आज महात्मा गांधी की है, हमारे राष्ट्रपिता की। और इसी के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आपके साथ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम के साथ साथ अन्य भी कई कार्यकर्ता और अधिकारी यहां मौजूद हैं। तो हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं और इसी को लेकर जो है सीएम योगी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं उनके साथ साथ अन्य भी नेता और कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं और लखनऊ से ये तस्वीरें लाइव आपके साथ साझा कर रहे हैं। बापू के इस पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जहाँ लखनऊ में सीएम योगी सहित बीजेपी के और नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपके साथ लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं।
लखनऊ से आप देख रहे थे कि महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।